9 ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं मार पाए सीएसके के बल्लेबाज प्रीति जिंटा के शेरों ने चेन्नई के चीतों को उनके ही घर में घुसकर चटाया धूल। जिस पिच पर सीएसके के बल्लेबाज खेले थे टेस्ट मैच, उसी पिच पर जॉनी बेस्टो और राइली रूसो ने खोल दिए थे गेंद के धागे। पहली बार धोनी की आंखों में दिखा आंसू। शर्मनाक हार के बाद सीएसके के लिए प्लेऑफ की राह नहीं होगी आसान। गायकवाड़ की कछुए वाली चाल ने धोनी की सीएसके को कर दिया पूरी तरह से बर्बाद। मैंने तो कल मैच शुरू होने से पहले ही अपनी वीडियो में साफ साफ कह दिया था कि आज प्रीति जिंटा के लड़ाकों को हराना धोनी के शेरों के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। जिस चेपॉक के मैदान पर सीएसके को हराना आईपीएल के सभी टीमों के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होता है, लेकिन पंजाब के लिए यह बाएं हाथ का खेल हो गया है। दोस्तों, पंजाब के शेरों ने चेन्नई में घुसकर पूरी तरह से धूल चटा दिया है और पंजाब के शेरों ने लगातार 5 मुकाबले में चेन्नई को हराकर आईपीएल में एक नया इतिहास रच दिया है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि आज चेन्नई के गेंदबाज पंजाब के बल्लेबाजों के सामने कांपते हुए नजर आएंगे। ठीक हुआ भी वैसा ही। बीती रात जिस पिच पर सीएसके के सभी बल्लेबाजों ने टेस्ट मैच खेला था, उसी सेम पिच पर राइली रूसो और जॉनी बेस्टो ने गेंद के धागे खोलते हुए चेन्नई के गेंदबाजों की दर्दनाक तरीके से पिटाई करी थी। आईपीएल 2024 के सबसे घातक मुकाबले में पंजाब के कप्तान सैम करन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। जैसे ही सैम करन ने चेपॉक के पिच पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, ठीक उसी समय पंजाब की टीम लगभग आधा मैच जीत चुकी थी। अपने घरेलू मैदान पर सीएसके के बल्लेबाजों ने आज T20 के मैच में टेस्ट मैच खेला था। सीएसके के बल्लेबाज 9 ओवर तक एक चौका तक नहीं मार पा रहे थे, वहीं पर रहाणे पहले ही ओवर से टेस्ट मैच खेलना शुरू कर दिए थे। हरप्रीत बरार और राहुल चहर के ओवर में तो सीएसके के बल्लेबाज एक बाउंड्री तक नहीं मार पाए थे। हरप्रीत बरार और राहुल चहर ने इस मैच में घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर के स्पेल में 16-16 रन दिए थे और 2-2 विकेट भी चटकाए थे। इस मैच में सीएसके के बल्लेबाजों का पंजाब के गेंदबाजों के सामने हाथ पांव फूल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सीएसके के बल्लेबाज आज बल्लेबाजी ही करना भूल गए थे और जिस पिच पर 200 रन आसानी से बन सकते थे, उसी पिच पर सीएसके के बल्लेबाजों ने 20 ओवर में 162 रन का ही स्कोर बनाते हैं। धोनी की सीएसके द्वारा दिए गए 162 रनों के जवाब में पंजाब की शुरुआत एक बार फिर से काफी ज्यादा तूफानी अंदाज में होती है। हालांकि अपने पिछले मुकाबले में तबाही मचाने वाले प्रभ सिमरन सिंह इस मैच में सिर्फ 10 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जॉनी बेस्टो और राइली रूसो ने मिलकर चेन्नई के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं। इस मैच में जॉनी बेस्टो पहली ही गेंद से काफी ज्यादा आक्रामक नजर आए थे, तो वहीं पर राइली रूसो का भी पहली बार तूफान देखने को मिलता है। जॉनी बेस्टो ने इस करो या मरो के मुकाबले में 30 गेंदों का सामना करते हुए 46 रनों की तूफानी पारी खेली थी, तो वहीं पर राइली रूसो ने भी पहली बार अपने बल्ले का दम दिखाते हुए सिर्फ 23 गेंदों का सामना करते हुए 43 रनों की शानदार तूफानी पारी खेलते हैं। राइली रूसो, जॉनी बेस्टो के अलावा शशांक सिंह और सैम करन ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम को 3 ओवर पहले ही मैच जिता देते हैं। इस जीत के साथ पंजाब की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की राह अभी भी बनी हुई है, तो वहीं पर सीएसके को इस हार के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर सीएसके की टीम अपने बाकी हुए बचे मैचों में से 1-2 मैच हार जाएगी तो सीएसके की टीम इस साल प्लेऑफ में नहीं पहुँच पाएगी।